फ्रांस ने लगाया बैन टू तो फटके पाकिस्तानी, तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। बड़े सारे लोग जो हैं, मेरे बहुत सारे दर्शक जो हैं, उन्होंने इसको रेकमेंड किया है कि सर इस पर ज़रूर आप रिएक्शन करें। बिफोर G20 समिट फ्रांस अटैक्स मुस्लिम्स, बैन ऑन अबाया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। फ्रांस ने जो है बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दिया, मुसलमान लड़कियां वहां पर बुर्का नहीं पहन सकती। अच्छा, क्यों नहीं पहन सकती वो? वो कह रहे कि मुसलमान और हमें डर लगता है मुसलमान से। मुसलमानों से डर लगता है तो वो मुसलमान मुल्क है ना, हर जगह फ्रांस वहां पे जो मुसलमान रहते हैं उनको मना किया ना। हाँ। तो ये यही है कि उनके जो हुक्मरान है ना, उनको चाहिए कि ये जैसे हमारे मुल्क में है जो हजाब करना चाहती हैं वो करती हैं, वहाँ पे भी जो मुसलमान है उसकी अपनी वो होनी चाहिए कि मैं गैरतमंद हूँ और मेरी माँ बहन ने हजाब करना है, चाहे वो शहीद हो जाए चाहे वो वहाँ पे अपनी हुकूमत। लेकिन जो मुसलमान लड़कियाँ स्कूल जो है बुरखा पहन के जाती थी, अबाया पहन के जाती थी, फ्रांस ने उनको बैन कर दिया। बैन कर दिया ना, तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ बात करें, ठीक है ना। तो ये तो अपने मुल्क में नहीं कर रहे तो उधर क्या करेंगे? ये हमारे हुक्मरान अपने मुल्क में बात नहीं कर रहे, इधर लड़कियां ऐसे फिर रही हैं तो वहाँ पे कैसे करेंगे बात? वहाँ अब तो यही है कि जो मुसलमान है ना वो अपने दम पे, अपने जिधर भी रहता है वो अपने दम पे करेगा। उनको यही चाहिए कि अपने दम पे करें ताकि अल्लाह की राह में शहीद हो जाए चाहे, ठीक है, जो भी करना अल्लाह की रजा के लिए करना है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा। हाँ जी, मुसलमान बहादुर है और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, अल्लाह और उसके नबी को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट करना क्या बहादुरी है? नहीं नहीं, ये बहादुरी नहीं है। तो वो जब भी तालिबान का काम है ना। अच्छा। हम कोई तालिबान थोड़ी, हम तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज मुसलमानों से डरती हैं उनको क्या पैगाम दो? उस हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशत गर्दी करवा रहे, स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज़्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशत गर्दी करने में नंबर वन पे है, दूसरे मजाहिबों को नुकसान पहुँचाने में नंबर वन पे है, क्या पैगाम दोगे उनको? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें, कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते हैं वो जमाए, अगर है कोई ऐसा, लेकिन वो हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं है। अच्छा, अगर है तो वो बाहर से आता है, उधर से ही आता है, इंडिया से आता है। इंडिया से कैसे आता है? इंडिया से कैसे आता है? हाँ। इंडिया से जैसे हम उधर चले जाते हैं वैसे वो इधर आ जाते हैं। हमने कभी कोई पकड़े हैं दहशतगर्द इंडिया का? हाँ जी। कौन पकड़ा है? बहुत से पकड़े हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं हमारे हुक्मरान, पैसा लेके छोड़ देते हैं, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे ना, वहाँ हमारी ठीक है। हम तो ऐसे बहुत सी बातें करते हैं, दुनिया सबूत मांगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को हर जगह से, फ्रांस भी कहता है गेट आउट, तुर्की भी कहता है पाकिस्तानियों गेट आउट, यूएई ने भी जो है 14 सिटीज को बैन किया है, ग्रीस ने भी कहा गेट आउट पाकिस्तान, हर जगह से गेट आउट क्यों हो रहे हैं? वो पाकिस्तानी से डरते हैं। अच्छा, क्यों डरते हैं, यही तो पूछ रही हूं। वो इसलिए डरते हैं कि उनको पता है ये इनका ईमान पक्का है, ये मुसलमान पक्का है। जबरदस्त बात करो, रहने दो, बात करो। अच्छा, उनको यही चाहिए कि पाकिस्तानी को मौका दे, हमारे जो हमें मौका अगर देंगे तो क्या, जो आलमे दीन है इनसे बात करें ताकि इनसे मुआहदा करें जो भी करना है, ठीक है। आप ये बताओ, आप बड़ी देर से बातें सुन रहे हो, हर जगह से पाकिस्तान को गेट आउट क्यों किया जा रहा है? कैसी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमसे परेशान है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि वो मुसलमान सच्चे नहीं है, वो बस नाम के मुसलमान हैं जो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से
सही मुसलमान बिना बदनाम होते हैं। सही कह रहे हो जी। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जगह हर जगह होते हैं। लेकिन हमारी बुराइयां ही पूरी दुनिया को क्यों नजर आ रही हैं? पाकिस्तान को मेन बात है वो पाकिस्तान को निस्तर नबूद करना चाहते हैं। अच्छा, हिंदू लीला पाकिस्तान कभी निस्तर नबूद नहीं हो सकता। ये बना कलमे की बिना पर, ये कलमे की बिना पर बना है, ये कभी निस्तर नबूद नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भी एक हो जाएगी ना, ये कभी नहीं हो सकता। उन्हें ये डर रहा है कि एक दिन इस मुल्क ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। साइड पे हो, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी, दुनिया को बताओ कैसे हुकूमत करेंगे हम? इंशाल्लाह हम बने ही कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, जिसके नाम पर पूरी दुनिया बनी है, मुल्क पर हुकूमत करने की क्या वजह नहीं है? इस्लामिक कंट्रीज क्यों निकाल रही है हमें? वो तो मुसलमान के मान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं है। नाम का मुसलमान हर कोई है। अच्छा। नाम का हर कोई है मुसलमान। मुसलमान वो है जिसने मुसल्ले पर अपनी जुबानी काटी है। अच्छा। वो मुसलमान नहीं है जो गलियों में फिर रहा हमारी तरह फिर रहा। हाँ। जिसने हलाल की खाई है ना, वो मुसलमान है। तो दुनिया हमसे डर रही है इसलिए हमें बाहर निकाल रही है। वो इसलिए डर रहे हैं ना कि हम इतने से मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इधर बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार हैं। तबाह होने के लिए कुछ बचा है क्या पाकिस्तान में? आटा मिल नहीं रहा, रोटी मिल नहीं रही, चावल मिल नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहा, खाने कमाने के लिए उपाय नहीं हो रहे, आपकी सरकारों को भीख मांगनी पड़ती है। इसको तबाही नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? जड़ अकल बुद्धि, और क्या कहते हैं? तबाह हो रहे हो, तबाही दिख रही है। कोई पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकता। अबे कलमे के नाम पर बनाया तो 75 साल पहले ही बनाया ना, 1400 साल पहले क्यों नहीं बन गया? और कलमे के नाम पर बनाया तो 1971 में आधा चला क्यों गया? कोई तबाह नहीं कर सकता तो आधा तो गया। पाकिस्तान तबाह नहीं कर सकता। अरे जब खुद तबाह हो रहे हो, किसी और को तबाह करने की क्या जरूरत है? जब आप अपनी मौत खुद मर रहे हो, किसी और को क्या जरूरत है मारने की? आपको सही पता है कि ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे? पूरी दुनिया से मांग तांग रहे हैं। हमारे बड़े लीडर बिके हुए हैं तो हम क्या करें बताएं? हम क्या करें? हम एक वक्त इस वाम को पुख्ता होकर ना एक कदम हम चलेंगे तो हम दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। अपनी फौज बुरखा फ्रांस ने बैन कर दिया, कहते हैं मुसलमान लड़कियां जो सरकारी स्कूल जाती है बुरखा नहीं अबाया नहीं पहन सकती। वो क्यों नहीं बोल रहे हम अगर इतने बहादुर शेर हैं? अच्छा, वो क्यों नहीं पहन सकती वो बताएं? वो कहते हैं कि हम बेयाम करें मुसलमानों में भी। अच्छा, उनका मिशन नहीं आप समझ रहे? वो कह रहे कि हम इनका पर्दा हटाएं, इनकी खूबसूरती देखें और बेयाम कर दें। समझते हैं बेयाई किसे कहते हैं? जब औरत पर्दे में होगी ना तो उसे कोई नहीं देख सकता। औरत का चेहरा देखना भी हमारे लिए गुनाह है। समझते हैं कि नहीं? उसके बाल चेहरे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है कि हम ना देखें किसी औरत को, बाकी हम देखते हैं। ये क्या, ये सारी अंग्रेज़ों की साजिश है? ये बीच में हमारे जो से लीडर है ना, मेन लीडर बड़े बड़े, ये सारे मिले हुए हैं। नशा आम है इस इलाके में, नशा आम है। कानून कार्रवाई नहीं करता, क्यों नहीं करता? मुसलमानों को खोखला कर रहे हैं ये सब। आप ही नशा करते हो मुझे लगता है। कैसे लगता है? कैसे लगता है? आपने नशे की बात की बातें कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम जी। अच्छा, मुसलमानों से पूरी दुनिया क्यों डर रही है? वो कहते हैं ये दहशतगर्द है, इनको बाहर निकालो। उनका एक मिशन है मुसलमानों को बदनाम करना। अच्छा, क्यों? वो काफिर है, कभी यहूदी मुसलमान का हो ही नहीं सकता। अच्छा। कहाँ पर लिखा है काफिर मुसलमान का हो सकता है? आप बताएं कहाँ पर लिखा है? आप सरकार ने पहले फरमाया यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता। ये मुसलमान को आपस में लड़ाएगा? आपको नहीं समझ आया? आप इतने एजुकेटेड हैं, इतने बड़े बड़े। मैं तो कहती हूँ किसी को काफिर ना बोलो, सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, मोहब्बत से चलो, नफरतें ना फैलाओ। मैं तो ये पैगाम, मुसलमान ही बदनाम है बस। हाँ। बाकी सही है, मुसलमान खबर तो हमेशा मुसलमान की आती है। यही बड़ा मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो ये मुसलमान मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये हिम्मत हम करते नहीं, इस वजह से हम बदनाम है। हम हिम्मत करें। अब अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुरके में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर
ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने औरतों, ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आप के सर पर ये पर्दा है? ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुरका मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत करा यहाँ पर। तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितने ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती तो इस्लामिक टॉपिक ही है। मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो, मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझें। बैन नहीं है ना, लेकिन हर कोई यहाँ पे बुरखा तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है, फ्रांस ने बैन कर दिया। अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दी अगर उन्होंने तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को जिंदा करें कम जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, तो ये आप नज़र खुद चेक कर लें, ये इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये खबरों की वजह से नहीं करने, ये आपने फैला। बताइए, इसने मजहब का सहारा लेकर ये कह दिया कि जो औरतें हैं वो शैतान का घर हैं। आप समझ रहे हैं कि किस कदर गलीज मान सकता है ये? आप सुनिए, और इसे सुनकर कोई कहेगा कि इस्लाम में क्या हो रहा है ये? इससे तो इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ेगा। इससे जो अपनी औरतों को बराबरी का हक नहीं दे सकता, ये बंदा कह रहा है कि भाई औरतें शैतान का, हुआ उसके लिए उसने अपने रिलीजन का हवाला दिया है। भाई भाई लोग, आप लोग क्लियरिफाई करिए। आपको कम से कम कोशिश, मैं तो अपना काम करने आई हूं। मैं उनका काम नहीं। क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें? इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाए। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे। मैं सुना देता हूँ। आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना। मैं सुनाता हूँ पहले। आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने लो छठा कलमा सुना। पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। ओ भाई, मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई। तुझे आता ही नहीं? मुझे आता। मैं चैलेंज करती हूं। क्यों चैलेंज करती हूं? छठा कलमा मुझे आता है। ईमान की सिफतें सुनाओ। चलो, इतने इस्लामी बनते हो, इस्लाम के कितनी सिफतें हैं? देखें, सीखने में इंसान को वक्त लगता है। कितनी सिफतें हैं इस्लाम? इंसान सीख फंस गया, ये फंस गया। सही नायला ने इसको, सही शाला ने इसको सही फंसाया, इसको सही फंसाया। इसको नहीं पता लग रहा है मुझे भी। सीखेगा जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान की सिफतें कितनी बढ़ती है। एक ईमान की सिफतें बता दो, मुसलमान हो ना। मेरी बात सुन रहे? देखो, हमें बुरके का, आप जरा पीछे हटो, सारे पीछे हटो। अभी ये कहने आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक इस्लामी घराने में मेरी परवरिश हुई है, मुझे कुरान पाक भी आते हैं, मुझे नमाज भी आती है, मुझे ईमान के सिफ्ते भी आती हैं। इनमें अगर मैं 50 लोगों को खड़ा कर लूँ, किसी को ईमान की दो सिफ्तें नहीं आती। और ये जो है शरिया की बात करते हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वजह क्या है कि हमारा जो कट्टरता है ना, हमारा अंदर जो एक्सट्रीमिज़म है, इसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बजाय बात को समझने के, ये आके हमें जो है बताना शुरू कर देते हैं कि बुरखा पहनो, हिजाब पहनो। खैर, मैं अपना टॉपिक जो है इसी वक्त आप बात करेंगे। जी, टॉपिक बताइए। मेरा टॉपिक आज ये था कि फ्रांस के अंदर जो इस्लामिक लड़कियां रहती हैं, मुसलमान लड़कियां रहती हैं, फ्रांस ने अभी जो ऐलान किया है कि वो सरकारी स्कूलों में बुरखा जो पहन के जाती थी, अब उन्होंने बैन कर दिया। देखिए जी, इसमें कुछ मुसलमानों की भी गलतियां हैं। हाँ, ये आपने सही बात। उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान आपस में भाईचारा है, लेकिन हमारा है नहीं आपस में।
देखिए आज हमारी शिकस्त की वजूहत भी यही है कि हमारा एक नहीं है, हम आपस में एक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों में हम इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन हम हमारे अंदर मुखालफीन बहुत है, हम आपस में ही मुखालफ है, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त खा रहे हैं। फ्रांस के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ जो इस काम में तरक्की कर रही है, उसकी वजह यही है कि मुसलमान कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दी करते हैं, फ्रांस अगर जल रहा है तो वजह मुसलमान है इसका। हालांकि ये वो कंट्रीज है जो हमें वीज़े भी देती है, हमें नेशनैलिटी भी देती है, हमारी बड़ी मदद करती है, लेकिन आज हमसे वो भी नाराज़ हो रही है। देखिए मुसलमानों की अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं, और हमारा एक सिस्टम बन गया है मुसलमानों के लिए, एक रवैया हो गया है कि ये दहशतगर्द है और ये धोखे देने वाले हैं, इसलिए हम पे कोई यकीन नहीं करता, जिसकी वजह यही है। हमने अपना खुद मियार खराब किया। सऊदी अरब और यूएई की बात के इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन वो भी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट इसी वजह से नहीं हो रही कि पाकिस्तान में एक निज़ाम नहीं है, यहाँ पर कोई इस्लामिक निज़ाम नहीं है। अब आपने देखा है, चलो ये गैर मजहब है ना, जो ये मामला पीछे एक वाकया हुआ है, उसकी वजह क्या थी? मुसलमानों में हम मुसलमान हैं, हमारी हिस्ट्री उठा के देख ले, इनसे ज़्यादा हिस्ट्री है। आप जो भी हमारी हिस्ट्री उसमें उठा के देख ले, कितनी ज़्यादा हिस्ट्री है आपकी, 1400 साल पुरानी, इससे ज़्यादा क्या हिस्ट्री है? क्रिश्चियंस आपसे पहले आए, यहूद आपसे पहले आए, और सबसे पहले हम सनातन धर्म वाले आए। 1400 साल पुराने हो जरा बस, और हम यहां हजारों साल से हैं, हजारों, और इसके सबूत मिले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें कर रहा हूं मैं, इसके कई सारे सबूत मिले हैं, जाके सर्च करो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि मौलानाओं ने, मुल्लों ने, मौलवियों ने वो बैरेज लगा रखा है कि बस इतना ही देखना है, बस ये अपना वाला ही देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है। उन्होंने तो आदम को भी मुसलमान बना दिया भाई, आदम और ईव को भी मुसलमान बना दिया है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? पूरी यूनिवर्स को आप लोगों ने मुसलमान बना दिया है। आपके कहने से, आपके कुछ कह देने से तो हो नहीं जाएगा, ये सबूत चाहिए होता है ना, और हमारे लिए तो हमारे सबूत भरे पड़े हैं। हमारा ज्यादा रवैया है, लेकिन हम क्यों पीछे हटे हैं? हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे मुखालफीन हमारे अंदर ही होते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट गए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, खुद को पॉलिश करने की जरूरत है। हम अच्छे होंगे, सामने वाला डेफिनेटली अच्छा होगा। हम दूसरे रिलीजन के रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला हमारे मजहब की भी इज्जत करेगा, क्योंकि इज्जत दो और इज्जत लेने वाली जो बात है, ये बड़ी टाइम से दुनिया में मशहूर है। असल में मैम इसमें दो वजह है, जो एक तो हमारे जो ये पढ़ा लिखा कल्चर है, उनकी वजह से हम पे ज़्यादातर बैन लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल है जो अच्छे वाले, जिनमें इस चीज़ का हमें खुद एक मुसलमान होने के नाते इस चीज़ पर एहतियात करनी चाहिए। जो अपने हमारा दीनी कल्चर है, जो हमारे इस्लाम में सबसे पहले ये चीज़ है कि वो हया का, हमारे ये मुसलमानों में सबसे ज़्यादा ये हया होनी चाहिए। हम इसलिए आज सबसे पीछे हैं, क्योंकि हम अपने दीन को भूल चुके हैं। नहीं तो फ्रांस ने अबाये पे बैन लगा दिया ना, जो लड़कियां आप वहाँ पे अबाया यानी कि बुरका जिसको हम कहते हैं वो पहनना चाहती है, नहीं पहन सकती। इसलिए ये सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट और पाकिस्तान और हमारे जो आलम दीन है, इनको उनसे जो है ना बातचीत करनी चाहिए, बैन करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में उनके लोग रह रहे हैं, फिर उन पर भी बैन करें, और हमारे जितने भी आलम दीन हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हूँ, खुदा रा ये हमारे, चलो मुल्क के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना आलम दीन, ना हमारे ये हुक्मरान, और जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए, ये सदर पाकिस्तान है, वो नहीं कर सकते। तो हमारे आलम दीन ये इस चीज़ पर जो है ना वो पाबंदी लगाएं, जितने भी हैं, और ये लोग सारे एक मुत्तफिक फैसला करें, हम भी उन लोगों पे पाबंदियां लगाएंगे। अब बुर्का कोई नहीं पहन सकता फ्रांस में, लड़कियां क्या कहेंगे? आप पहन सकती हैं, क्यों नहीं पहन सकती? इधर फ्रांस ने बुर्के पहनने पर पाबंदी लगा दिया, कह रहे कि मुसलमान लड़कियां फ्रांस में जो रहती हैं अब वो बुर्का पहन के सरकारी स्कूल्स में नहीं जा सकती। नहीं तो ये तो गलत बात है ना, मुसलमान है हर, उनको पूरा हक है अपना जो जिस्म जो मतलब के ढपना, ये इस्लाम में इसके शरी जो है ना पाबंदी है कि वो बुरखा पहने, बुरखे पहनने के बगैर बाहर ना निकले। तो वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों से हमें डर लग रहा है, फ्रांस जो है वो कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से जल रहे हैं, मुसलमान वहाँ पर जो है
दंगा भड़काते हैं, आग लगाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। अब फ्रांस के लोगों ने कहा कि जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के स्कूल जाती थी उन पर बैन लगा दिया, अब बिना बुरके के स्कूल जाएंगी। गलत बात है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप क्या कहोगे जिस तरह बैन लगा बुरके पे फ्रांस में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, ये हमारी सबसे पहले हुकूमत की ये हमारी नाअहली है, ठीक है। ऊपर से ये तकरीबन हमारे हुकूमत और ये इस्लामी जमहूरिया को ना एक दफ़ा इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यार अब खुद देखें ना, क्योंकि मुसलमान अपना खुद इमेज ख़राब कर रहा है किसी मुल्क में जाके। अब उसको चाहिए यार कि अपना इमेज बिल्डअप करे। अच्छा, जैसे इमेज बिल्डअप करेंगे वो यही समझेगा कि भाई मुल्क अच्छा है, अवाम अच्छी है, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे मुल्क, जैसे इस्लामी ममालिक हो गए, तुर्की हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, इनमें देखें, इनके अखलाकियात को देखें और हमारी अखलाकियात को देखें, बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है यार उनमें। अब हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का हमें हक अदा करना चाहिए। मतलब जैसे हम मुसलमान हैं, हमें भाई अपने मुसलमान जैसे इस्लाम में जिस तरह अल्लाह तआला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का बोला है, उस हिसाब से हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। देखो हर जगह से गेट। तो सबसे पहले भाई ये बताओ कि ये तो फ्रांस जो है वो मुसलमानों का मुल्क तो है नहीं, तुम्हारा मुल्क नहीं है ना, तुम उनके मुल्क में जा रहे हो, मतलब तुम किसी और के घर में जाओ और वहां पर जाकर वहां से खाना पीना लो, वहां पे नौकरी लो, वहां पे सारी चीजें, वहां की जो सुविधाएं हैं, डेवलप्ड कंट्री है तो वहां की सब चीजें इस्तेमाल करो और फिर कहो कि नहीं जी हमारी चलेगी, हम अपने हिसाब से चलेंगे। गजब है ना, कंट्री किसी और की, रूल किसी और के, और तुम कहोगे कि हमारी चलेगी। क्यों चलेगी भाई? पहली बात, क्या तुम्हारा इस्लामिक कंट्री है तुम्हारी पाकिस्तान? क्या दूसरे देश का बंदा आके कहे कि मेरे हिसाब से तुम अपने यहां कानून बनाओ? क्या बना लोगे तुम कानून? और कानून से याद आया, तुम लोग तो वो हो, तुमने अपने देश के हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को हुकूक दिए हैं बराबर के। तुम्हारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आईन कहता है कि जो नॉन मुस्लिम है वो ना पीएम बन सकता है, ना प्रेसिडेंट बन सकता है, ना आर्मी चीफ बन सकता है, ना नेवी चीफ बन सकता है, ना एयरफोर्स चीफ बन सकता है। तो आपने तो ये कानून बना दिया कि नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आपने तो अपने देश के जो अहमदिया मुसलमान हैं, आपने अपने यहां कानून बनाकर लेकर आए कि जी हम अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार करते हैं। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ये कानून लेकर आया था, उसने कहा कि अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना जाएगा। नतीजा, उनके मस्जिदों को तोड़ा जाता है, उनकी इबादत गांवों को तोड़ा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो आप एक इस्लामिक देश हो, आपने अपने यहां जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनके लिए तो आपने कानून बना दिया, तो वो अच्छा है। फ्रांस जो है वो एक दूसरे धर्म का मुल्क है, उसने अगर कहा कि जो हमारे यहां अबाया बैन करते हैं तो वो गलत है। वाह, इस्लामिक देश मिलकर अपना कानून बना ले वो सही, लेकिन दूसरा जो नॉन इस्लामिक देश है वो इस्लाम के खिलाफ जाके कानून बना दे या वो अपने हिसाब से कानून बना दे तो वो गलत। अरे भाई, तो जाओ मत ना फ्रांस रहने, कौन कह रहा है जाओ वहां पे? जाओगे भी वहां, नौकरी भी करोगे, पैसे भी चाहिए, सब चीज चाहिए वहां से, और वहां का कानून नहीं मानेंगे तो ऐसे ही लतियाए जाओगे भाई, ऐसे ही लतिया कर भगाया जाओगे। और पूरी दुनिया से ये हो रहा है, और इवन इस्लामिक मुल्कों से भी हो रहा है। टर्की से लात मार के भगाए जा रहे हो ना, और टेररिस्ट क्यों ना कहा जाए तुम्हें? अभी ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और वो आतंकवादी हमले की साजिश कर रहे थे, ना पकड़ा जाए, छोड़ दिया जाए तुम्हें, ये तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, आप आके बम ब्लास्ट कर दो, आप टेररिस्ट घटनाएं कर दो, लेकिन आपको छोड़ दिया जाए क्योंकि आप ये इस्लाम के नाम पे कर रहे हो, है ना? कमाल की बात है सर, वाह। गेट आउट पाकिस्तानी कंपेन चलिए, फ्रांस ने भी गेट आउट पाकिस्तानी का, अब वो कह रहे हैं कि जितने भी दंगे फ्रांस के अंदर हो रहे हैं, फ्रांस जो जल रहा है उसकी वजह मुसलमान है, और उन्होंने बुरखे के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि मुसलमान लड़कियां अब पर्दे में नहीं निकलेंगी। भाई नहीं, ये तो गलत है ना, उनको चाहिए एक दफा पूरा इन्वेस्टिगेट करे उस चीज का। और जो मुसलमान कर रहे हैं वो ठीक है, मुसलमान वहां पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, फ्रांस को जला रहे हैं, फ्रांस ने उनके साथ कितने प्यार से रहने दिया, उनको वहां की सिटीजनशिप दी, वीजाज दिए, ठीक है, फिर जो बेरोजगार होते हैं उनका फंड भी देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर यहाँ के काम वहां पर भी शुरू कर देते हैं। अब ये देखे ना, पहले भी फ्रांस ने कुरान पाक की कितनी बेहरमती की है, उन्होंने कितना एक्शन लिया मुसलमानों ने, अब इनको चाहिए यार कि दोबारा इस चीज़ पर एक्शन ले, ताकि उनको पता लगे कि यार ये मुसलमान भी किसी नाम किसी मतलब वैसे ही कोई नहीं है, स्टैचू टाइप के नहीं है भाई, एक्शन ले सकते हैं हर चीज़ में। इनको चाहिए भाई मुसलमानों को, भाई इस्लामी ममालिक को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, ये नहीं कि भाई ऐसे भी नहीं बोल रहा है, बैन लग गया है बुरखे के ऊपर, आप क्या कहेंगे अंकल आज आगे? हाँ जी, ये गलत किया जी, उन्हें पहनना चाहिए अबाया, उन्हें इस्लामी जो है ना तरीका इख्तियार करना चाहिए, ये गलत किया उन्होंने।
वजह ये है कि वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों से डर है, मुसलमान हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं जी, मुसलमानों से क्यों डरना है, मुसलमान तो है, इस्लाम तो अमन का दीन है, ये तो प्यार मोहब्बत ही सिखाता है, ये कोई गलत काम नहीं सिखाता, इस्लाम बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी ऐसी कोई बात करता है ना तो मुझे पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं आलिया शाह, उनकी कई बातें आ जाती है, सुन लीजिए। पहले हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है। तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है, तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं है, ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं और इनका नजरिया भी है जो सब जानते हैं, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पर बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है, ओहो ये तो अपने आप गरीबान में कैसे झांके हम, वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, सुन लिया, इसीलिए इस्लामोफोबिया फैल रहा है क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग जबरन ये मनवाने पर तुले हो कि हम जो करेंगे, हम चाहे बम ब्लास्ट कर दें लेकिन हम सही हैं, हमारे पास वजह है बम ब्लास्ट करने की, हम चाहे आदमियों को मार दें लेकिन हमारे पास वजह है और हमने सही किया है, ये गड़बड़ी है और इसकी वजह से आप लोग हर जगह रुसवा हो रहे हैं और आगे और ज्यादा रुसवा होंगे। इस्लाम अमन का पैगाम देता है लेकिन जो मुसलमान मुल्क से बाहर जाते हैं आप देखिए वहाँ पर ये क्या हरकतें करते हैं, जो है बच्चों को हरास करते हैं, फिर स्मगलिंग भी करते हैं, फिर दंगे भड़काते हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं, इन सब को देखते हुए उन्होंने कहा है कि बुरखे को बैन करो। नहीं जी, ये सारे मुसलमान इस तरह नहीं करते, वो तो गैर मुस्लिम भी इस तरह की हरकतें करते हैं, ये लेकिन हाईलाइट हमेशा मुसलमान क्यों हो रहे हैं, वो बस गलतफहमी उनकी, इस्लाम बिल्कुल अमन का दीन है और अच्छा दीन है, ये चंद एक लोग हैं बस, उनमें भी होते हैं गैर मुस्लिमों में भी होते हैं, वो भी इस तरह जुराइम करते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे इस्लाम के हवाले से? इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, अमन का दीन है, बहुत प्यारा दीन है, हमें पसंद है, हमारा इस्लाम है बहुत अच्छा है। इंडिया और फ्रांस के ताल्लुका, इंडिया और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो रहे फ्रांस से? वो जी बस कोई आंसर है, कोई जो कहते हैं सुलह ना हो इनमें, वैसे तो हम इस्लाम अमन का दीन है, ये तो सुलह ही चाहता, हर किसी से दोस्ती चाहता है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। और अगर हम इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात, अभी उन्होंने अपने नेशनल डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था, इंडिया और फ्रांस के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है, हमारा ही किसी से नहीं बन पा रहा अच्छा रिलेशन? नहीं जी, हमारे भी हुक्मरान चाहते हैं, वो तो बस कोई ऐसी कमजोरियां हो जाती हैं, लेकिन वैसे हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि सुलह हो, सारे अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ये हमारा जो है ना, हमारा मुल्क भी अच्छा है, इनके हुक्मरान भी कोशिश करते हैं सुलह की सफाई की। अब जो फ्रांस ने बुरखे पे बैन लगाया, हमारे जितने भी मौलाना लोग हैं इन्होंने बात क्यों नहीं की फ्रांस से? ये तो जी अब ये सियासतदान ये खुद ही बेहतर लाए अमल तैयार कर सकते हैं, इन्हें चाहिए कि कोशिश करें कि अमन और सुकून रहे और भाईचारा रहे, बस ठीक है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा वीडियो था और आपने देख लिया कि पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता क्या है, माइंडसेट क्या है, इसी माइंडसेट की वजह से ये लोग हर जगह से लतियाए जा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। आपने अबाया की बात की है, ये बताइए सऊदी अरब में या यूएई में, कहीं तो हमने देखा वहां पे स्कूलों में अबाया को बैन कर दिया गया, बोला कि अबाया पहन के आने की कोई जरूरत नहीं, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई वहां पर अबाया हटाया जा रहा है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये उस जमाने के लिए सही था, इस जमाने के लिए सही नहीं है। अब जाकर भाई औरतों को भी हक देना पड़ेगा ना, आप हमेशा ये क्यों समझते हैं मजहब का हवाला देकर कि औरतें हमारी जूती की नोक के नीचे रहेंगी, क्यों रहेंगी, वो आपके बराबर की हैं। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो उनको जूती के नोक पर रखकर ऐसा कर लेंगे तो देखिए, और दूसरी बात कि फ्रांस ने बिल्कुल ठीक किया है, अगर आप वहां जाकर आगजनी करेंगे, दंगे करेंगे, वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाएंगे,
तो वो उनका मुल्क है भाई, वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। और सबसे बेशरम तो आप लोग हैं कि ऐसे मुल्कों में आप लोग जाते क्यों है रहने? नहीं, क्योंकि घर भी तो पालना है, बच्चे पालने हैं अपने, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा भी करने हैं, उनको पालने भी हैं, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए, और पैसे उन्हीं मुल्कों से मिलेंगे। अच्छी कंट्री है, बड़ा अच्छा उन्होंने किया है, जाकर वहां पर सब तबाह कर दो, उसको भी अपने पाकिस्तान की तरह बना दो, फ्रांस को भी, यही चाहते हैं आप लोग। और आप लोग हर उस यूरोपियन कंट्री में यही करने जाते हैं, नहीं तो टर्की में भी आप लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है टर्की से, टर्की तो इस्लामिक कंट्री है। यूएई ने आपके 14 या 15 शहरों से आने वाले लोगों पर बैन लगा रखा है कि पाकिस्तान के इन इन शहरों से आने वालों पर बैन है, नहीं घुस सकते आप वहां पर जाकर। तो जैसी हरकतें करोगे वैसा फल पाओगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी, वीडियो की खत्म, काफी लंबी वीडियो थी, थोड़ा सी थकावट भी होगी सुन सुनकर बातें, और जहनों वाली बातें जो सुनी अपनी आवाम की, उससे भी थोड़ी सी नाराजगी हुई है मुझे। पहली बात यह है कि जिस बंदे से, शैला नाम है उसका या क्या नाम है उसका, उसने इंटरव्यू किया है, आई थिंक वो कोई अनपढ़ मजदूर सा बंदा है। वो जो एक बाद में भाई बाद में एक आया था, वो ब्लैक शर्ट टी शर्ट वाला, वो कुछ थोड़ा सा समझदार बातें कर रहा था, कुछ हद तक ठीक था, लेकिन तब बात क्या, मैं इस्लाम में नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं मतलब ना इस्लाम में ना घुस, लेकिन मसला ये एक मजबूरी बन गई कि ये टॉपिक इस्लामिक आ गया, इससे बच नहीं सकता मैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि पॉलिटिकल व्यू को पॉलिटिकल व्यू भी रखा जाए, ना कि इस्लामिक व्यू रखा जाए, क्योंकि इस्लामिक या समझ लें कि रिलीजन के लिहाज से हर मजहब अपने पैरोकार जो उसके हैं वो बड़ी मतलब कि ना मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, तो मैं कोई भी बात कहूँगा तो मेरी उनको समझ नहीं आनी, इतनी बड़ी दलील दे लूँ नहीं समझ आएगी। इसी तरह हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म के लोग हमें जितनी बड़ी दलील दे लें हमें समझ नहीं आनी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है ना, इंसान जो है वो जिस मजहब के पैरोकार है वो इमोशनली अटैच है। इस वजह से, और जो इमोशंस, क्योंकि होते ही सारा इंसान है ही क्या, पूरा का पूरा इमोशंस ही है, रिश्तेदारी है, उसके बाद उसके मजहब है, और भी कई इमोशंस होते हैं, किसी को कुछ हासिल करने का इमोशन है, किसी को कुछ मतलब कोई ना कोई हार का कोई को जज्बा, किसी जज्बे के तहत जिंदगी गुजारी जा रही है, या कोई ना कोई उम्मीद है। मुसलमानों को जैसे उम्मीद है कि हम मर के मतलब जन्नत में जाएंगे, इस तरह का सिलसिला। तो इसलिए मैं मजहब से कोशिश करता हूँ, लेकिन मजबूरी बन गया है कि अब मैं इस पर बोलूँ, क्योंकि ये मजहबी बात आ गई है। पहली बात तो यह है कि हर कायनात है ना, जिस तरह एक मैंने वीडियो देखी थी जब यूसीसी की बात हो रही थी, तो एक मुस्लिम है, उसका नाम था रिजवान, फेस टू फेस वाला, उसने बड़ा इस पर तनकीद की, मतलब अच्छा कहा था कि यूसीसी होना चाहिए, इस्लाम होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, मतलब बड़ी बातें की। फिर उसने मिसाल दी कि हर इदारा होता है उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह मस्जिद है या कोई मतलब समझ लें मदरसा है, मदरसे में कुछ रूल्स होंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हो गए, उसके बाद अगर कोई समझ लें एक अमेजोन कंपनी है, मिसाल है, उसका कोई दफ्तर ही है, उसके कोई रूल्स हैं, रेगुलेशन हो गए, टाइमिंग्स होगी, उसके काम करने की तरगीब होगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा। इसी तरीके से ना हर मजहब के रूल्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हिंदुइज्म है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्रिश्चियन है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सिखिज्म है, उसके अलग हैं, इस्लाम है, उसके अलग है। अगर मैं ये कहूँ मैं अपने मजहब को इस्लाम है उसमें रूल एंड रेगुलेशन है हिजाब करना, उसका एक रूल है, तो अगर हिंदू उठकर मुझे ये कह दे कि हिजाब नहीं करना चाहिए, उसके कहने ना करने से मेरा रूल जो है वो बदल नहीं जाएगा, मतलब इस्लाम का ये रूल बदल नहीं जाएगा। हाँ ये है कि जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना, जिस तरह वो शैला भी उसने नहीं किया, उसको नहीं करना, और इस पर उसने खुद भुगतना है। हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप इस्लाम के होते हुए उसके इस्लाम के दायरे से बाहर जा रहे हैं,
इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो मजहब है उनके रेगुलेशंस हैं रूल्स हैं, तो जब वो अपने रूल्स तोड़ते हैं इसी तरह जिस तरह एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, तो उसके मैं मिसाल देता हूँ। एक आप स्कूल में पढ़ता है कोई बच्चा एट नाइन्थ टेंथ में पढ़ता है तो वो स्कूल से भागने की कोशिश करता है तो उसका चौकीदार होता है, उसकी चार दीवारी होती है, उसको भलांगने नहीं दिया जाता, मतलब वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आता है उस अदारे के अंदर। इसी तरीके से हर मजहब के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसके साथ में फ्रेंड्स जो है वो उसको एक मतबा तनबीह जरूर करते हैं कि यार तुम अपना ये जो दीवार फलांग रहे हो, तुम अपने मदरसे से निकल जाओगे, आपको नुकसान होगा। आप ये उस मदरसे के लोग या स्कूल के लोग जानते होंगे कि उसका नुकसान होगा। इसी तरीके से हर मजहब के लोग जानते हैं, ईसाई वाले कहते हैं कि हमारे अगर दायरे से निकलोगे तो नुकसान होगा, ये सिख वाले कहते हैं कि हमारे दायरे से निकलोगे सिखों को तो नुकसान होगा, इससे हिंदू जो है वो कहते होंगे कि आप अगर हिंदुइज्म से निकलेंगे ये करेंगे तो नुकसान होगा। इसी तरीके से मुस्लिम अगर वो भी अगर अपनी औरतों को ये कहते हैं कि आप पर फर्ज है जो मतलब हिजाब, अगर आप इसके दायरे से निकलेंगे, इसकी चार दीवारी से निकलेंगे, इसकी रूल्स और रेगुलेशन से निकलेंगे तो आपको नुकसान होगा, ये तनबीह करना हर मजहब के, हर इदारे के, हर मदरसे के, हर यूनिवर्सिटी के लोगों का तनबीह करना, टीचर्स का ये एक समझ एक इशारा देना और तनबीह करना जरूरी होता है। आप इसको ये कह देना कि सिर्फ मुसलमान से क्रिटिसाइज मतलब रेडिकलाइज क्यों है, इतना क्यों सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ तमाम मजहब के लोगों को, तमाम मजहब के मानने वालों को, क्या आपके मजहब के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं? हम मानते हैं कि ये हमारे मजहब के रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारा मजहब ये कहता है, यार जब मजहब की बात होगी मैं उसमें झूठ नहीं बोलूंगा, डंके के चोट पर कहूंगा, किसी को बुरी लगे सौ बिस्मिल्लाह, कोई टेंशन नहीं है। हर मजहब के रूल्स रेगुलेशंस है, बल्कि ये कायनात के रूल्स रेगुलेशंस है, पूरी कायनात के रूल्स, पूरी कायनात, पूरी दुनिया किसी न किसी कानून के तहत चल रही है। देखें कि आप एक कोई भी काम है ना वो रूल्स की बना पर होता है, कोई बेतरतीब काम वो कभी हो ही नहीं सकता, कि कभी किसी वक्त कोई काले को, हर काम एक रूल्स के। मैं बच्चा था, रहमतुल्लाह बच्चा था, और मैंने ना देखा एक मैंने नोटिस किया कि मैंने जब भी देखा ना बीज से पौधा बनता है, बाद में फिर उस पर फल लगता है, फिर बीज बनता है, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि पहले मतलब बगैर बीज के पौधा उगाया हो और इस पर फिर बीज लगे हो तो फिर ये सर्कल चल, यानी कि एक तरतीब है हर चीज की, पूरी कायनात की तरतीब है। इस तरह देख रहे कि पहले आता है दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पोता दादे से पहले आ गया, ये भी तरतीब है, हर चीज की तरतीब। इसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये पूरी कायनात इसको फॉलो करती है। आपने कभी सूरज को वेस्ट से निकलते देखा? मैं तो बचपन से ईस्ट से निकलते देख रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी, मुझे आज इतनी मेरी उम्र होगी, मैं उसको ईस्ट से निकलते देख रहा हूँ, वेस्ट से कभी भी मैंने सूर्य को निकलता नहीं देखा। इस बात को यार मैं तो कंडेम करता हूँ कि फ्रांस ने ये बुरा किया है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि दावा करते हैं दूसरी कंट्री वाले के अंग्रेज लोग के हम तमाम मजहब को आजादी देते हैं, जिस तरह मर्जी रह रहे हैं, हमें कोई लेन देन नहीं है, तो जो बुरके पर उन्होंने बैन किया ये अच्छा नहीं किया, इसकी क्या वजह है? क्या मतलब उन्होंने आई थिंक स्कूल कॉलेजेस में बैन किया, मुझे लगता है तो बुरे किया है यार, जहाँ पर भी स्कूल कॉलेजेस में बैन किया तो इसकी वजह से इसमें एक और बात आ जाती है ना, इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि जो मदरसे में एक आदमी आए या हमारी मस्जिद ही आए, क्योंकि हमारी मस्जिद का रूल है कि आपको बावजू होना पड़ेगा, उसके साथ आपको सलवार कमीज मतलब इतना जरूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई हर जगह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो जिस तरह कह लें कि हम स्कूल जाते हैं पैंट शर्ट पहन के जाते हैं ना, उधर अगर कोई चला जाए पहन कर सलवार कमीज, मैं भी एक दो मतलब ऐसा हुआ था कि मेरी यूनिफॉर्म मतलब धुल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मैं मतलब एक दो मरतबा शलवार कमीज में गया था, तो मुझे सजा पनिश हुई थी, पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट होती है ना। इस तरह ये एक ऐसा मोड है कि अगर तो उन्होंने पूरे मुल्क में बैन किया तो फिर गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया कि पूरे मुल्क में बैन है, अगर तो वो एक इदारे में बैन कर रहे हैं तो इस पर फिर सोचो विचार करने की बात है।
यार जो भी है ना वैसे गलत, मैं मेरे मुताबिक गलत किया उन्होंने। आप बात करें कि देखें कि मदरसा के जो होते हैं ना बच्चे वो कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा पहनना ठीक है, ये जो है ना वैसे जो मेरे मुताबिक है मैं तो इसको यार बुरे कहूंगा जिस वजह से भी उन्होंने किया। मदरसे के बच्चे वो कपड़े पहनते हैं, अब कॉलेज वाले जो वो पहले कपड़े ही पहनते थे लेकिन अब यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये बात है कि अब जाएंगे तो। अच्छा एक और हमारी बड़ी पाकिस्तानियों की, मैं तो इसको मतलब दोगलापन कहता हूँ, बेगारती कहता हूँ, चापलूसी कहता हूँ और क्या क्या नाम। वैसे एक मिनट, हमने यूसीसी आना अभी आई भी नहीं थी, अभी बातचीत चल रही थी इस पर, हमने यूसीसी पर बड़ा वाबेला किया, हमने कहा उधर मुसलमानों के हकूक तल्फी हो रही है, मुसलमान बच्चियों पर जुल्म हो रहा है, फला हो रहा है, फला हो रहा है, हमने बड़ी बींगे मारी, डेंगी मारी, क्या क्या मारा, हमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज फ्रांस ने कर दिया है तो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक, जब इमरान खान थे ना हम कहते हैं अलमबरदार हैं वो बड़े दीन के, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी फ्रांस में गुस्ताखी की थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस वक्त जब इमरान खान को कहा गया था ना कि आप कंडेम करें भरपूर तरीके से, तो इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं कंडेम करूंगा तो हमारी GPS जो है ना एक प्लस स्टेटस है पाकिस्तान को दिया गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से, तो वो हमारा खत्म हो जाएगा और हमारी प्रोडक्ट्स जो है उधर सेल नहीं होंगी और जिससे पाकिस्तान को बहुत मायशी लाज से नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, तो इमरान खान ने कंडेम नहीं किया था। तो इसकी आपके सामने ये वजूहात है ना, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम अल्लाह की जात के बाद सबसे ज्यादा है, हमारे वालदैन से भी ज्यादा, हमारे वालदैन माँ बाप हमारी सारी चीजें उन पर कुर्बान, तो उस वक्त इमरान खान ने आज इनको हम अलमबरदार कहते हैं ना इस्लाम का, तो बड़े उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं उनसे बड़ा शिकवा करता हूँ इस बात पर, तो दोगलापन दिखाया था, ठीक है ना बात है यार, ये आपको मिले अब उनकी आप फ्रांस में हुआ तो कोई नहीं बोल रहा, ये काम इंडिया में हो जाता ए, वो एक आयशा लड़की थी कौन थी उसका क्या नाम था जिसने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा था, उसके पीछे वो चांद लड़के बैठे हिंदू थे हिजाब में थी, तो उस पर बड़ा हमने शोर मचाया, फिर नपोर शर्मा ने तो बातें की तो उस पर हमने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया, आज हम नहीं कर रहे, आज हमारे गवर्नमेंट से कोई बयान नहीं आ रहा कि ये अबाया या हिजाब की, मैं खैर बड़ी लंबी हो जाएगी बहस यार, मैं इस बहस में नहीं पड़ जाता, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लीजिए इजाजत।